फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज छोटी सी क्राफ्ट की वीडियो तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप सब कुछ वेस्ट मटेरियल है फ्रेंड्स जो कि की हमारे किचन में अक्सर ही ये पड़ा होता है तो ये देखिए जैसे टॉयलेट रोल का जब हम टॉयलेट रोल ख़त्म हो जाता है तो उसका ये कार्डबोर्ड होता है जो जो हम फेंक देते हैं बट ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी और ये दो चार ऐसे कंटेनर हैं मेरे पास एक भल्ला प्लेट है या कुछ और फूड के भी आते हैं तो जी करते हैं वीडियो शुरू इस तरह पहले छोटा सा मैंने मिनी जार लिया है ये है कॉफ़ी का तो ये धोने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये डेकोरेट के लिए बहुत अच्छा लगता है जी इस तरह इस पर एक ऊपर मैंने लगा दी है लेस और छोटी सी इस तरह एक रिबन आगे लगा देंगे हम तो ये हमारा शो पीस लगेगा जब हम ड्राइंग रूम या कोई और टेबल पे हम रखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा इसमें मैंने फ्रेंड्स जो छोटी छोटी बॉल्स आती हैं अक्सर बॉल ये डेकोरेशन के लिए तो वो मैं इसमें भर दूंगी और इनमें पानी डालना पड़ता है पानी ना डालो तो ये फिर अपने शेप में आ जाती है बिल्कुल मिनी हो जाती है तो इसलिए जी पानी डाल के ये देखिए कितना अच्छा ऊपर से हमने इसमें कुछ भी ओरिजिनल या कोई भी कली हम डाल देंगे और छोटा सा एक डैडी टूटा पड़ा था तो उसका मुँह संभाला हुआ था मैंने तो ये देखिए जी ऊपर लगा दिया तो ये कितना अच्छा लग रहा है तो इस तरह देखिए कितना सुंदर और मेरे दूसरे उनके साथ ही अच्छा लग रहा है फ्लावर भी इसके साथ तो जी इस तरह देखिए अब बारी आती है जी ये टॉयलेट रूम तो फ्रेंड्स इसका कार्डबोर्ड भी देखिए कैसे फेंक देते हैं हम तो अक्सर हमारे घर में यूज़ होता है इस पर मैंने क्या लगा दिया जी ग्लिटर शीट तो ये ध्यान से देखिए आप कितनी काम की चीज़ है ये हमारी दो तरीके से काम आती है एक अब देखिए इस तरह मैंने एक कार्डबोर्ड का सर्कल पीस काटा है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एक मेरे पास कतरन पड़ी थी वो मैंने ऊपर से लगा दी और इसको अटैच कर दिया जी मैंने रोल को उस सर्कल से और ऊपर से मैंने इसको हाइड कर दिया ये भी मेरा एक पर्दे का रिंग्स था उस पर थोड़ी लेस लगा के वो ऊपर से मैंने ऐसे हाइड कर दिया तो ताकि अजीब ना लगे तो ये देखिए जी किस तरह ये हमारा लगेगा कि ऐसे बेंगल्स ये बन गया हमारा बैंगल्स स्टैंड देखिए कितनी चूड़ियाँ इसमें डल गई और बिल्कुल गंदा नहीं लग रहा और ये हम अपने ड्रेसिंग के पास रखेंगे हमारा बहुत अच्छा लगेगा ये देखिए जी कितनी सारी आठ दस चूड़ियाँ इसमें आ गई है और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में और दूसरा ये देखिए यही कार्डबोर्ड तो ये फ्रेंड्स यही कार्डबोर्ड के ऊपर देखिए मैंने ग्लिटर शीट फिल लगाई है और नीचे भी ग्लिटर शीट अटैच कर दी है और थोड़े से मिरर लगा दिए और ये देखिए फ्रेंड्स इस पर हम क्या ये हमारे लेडीज़ के लिए हैं दोनों ही देखिए ये एक पे मैंने चूड़ियाँ बेंगल बो बना दिया बेंगल स्टैंड और दूसरा हमने जो भी हमारी रबड़ होती है अक्सर इधर उधर घूम जाती है तो वो भी एक रबड़ स्टैंड बन गया ये दोनों हम अपने ड्रेसिंग के पास रख सकते हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं तीसरा ये है जी देखिए जैसे कि ये ना हमारी फूड प्लेट है तो ये भी अक्सर आजकल बहुत अच्छी अच्छी आने लगी ये कंटेनर तो कुछ तो हम सब्जियों के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं उनमें सब्जियां चौप कर कर फ्रिज में रख दे देते हैं तो एयर टाइट होते हैं कुछ ये प्लेट्स होती है तो जी इस पर मैंने एक्रेलिक पेंट लगाया है फिंगर से ही लगाया है आप ब्रश से भी कर सकते हैं पर बट मुझे सही लग रहा था फिंगर से तो जी इस तरह मैंने मिरर लगा दिए साइडों में तो ये तीनों ही हमारे लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ें बन गई है इसमें अब ये डेकोरेट हो जाएगी अच्छी से जी इस पर कोई और मैंने कलर नहीं किया क्योंकि ब्लैक ग्राउंड है जो इसका बहुत अच्छा लग रहा था उस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी ऊपर से मैंने एक्रेलिक लगा दिया तो ये लॉन्ग स्टे है ये तो उतरेगा ही नहीं तो ये देखिए अब ये कलर है शाइन वाला फैब्रिक कलर एक्रेलिक तो ये दूर से ही शाइन मार रहा है ये देखिए बहुत अच्छा लगेगा तो जी ये भी प्लेट हम चाहें तो वॉल पे डेकोरेट कर सकते हैं लगा कर या फिर इसमें कुछ भी हम अपना डाल सकते हैं तो मैं इसमें अपनी नेल पेंट वगैरह रखूँगी तो ये देखिए कितनी सुंदर एक कलर प्लेट हमारी बन गई है डिज़ाइनर देखिए कितनी अच्छी लग रही है तो जी इस तरह फ्रेंड्स ये देखिए हमारे ये वन टू थ्री फोर हमारी बनकर रेडी है जी और वो हमारे लिए कितने यूज़फुल है देखने में बिल्कुल गंदे नहीं लग रहे ये देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मेरी छोटी सी क्राफ्ट की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाय जी